नमस्कार विद्यार्थी, आज हम कक्षा 10वीं की का तीसरा पाठ माँ मुझे आने दे मृदुल जोशी से के द्वारा ये लिखा गया है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। पहले हम इसका उन्मुखीकरण देखेंगे। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटे क्यों नहीं चाहिए। अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। एक उन्मुखीकरण दिया गया है कि माँ चाहिए, हम सबको माँ चाहिए होती है, बहन भी चाहिए होती है, पत्नी भी चाहिए होती है, फिर बेटे क्यों नहीं चाहिए होती है। जो भी बेटी जो पैदा नहीं होती है, अनदेखी बिटिया जो माँ के कोख में होती है, जो अभी तक इस दुनिया में जन्म नहीं लेती है, उन्हें कहते हैं अनदेखी बिटिया। इसमें कवि ने इतना अच्छा कहा है, अनदेखी बिटिया कहा है उसे, जो माँ के गर्भ में होती है, जो इस दुनिया में अब तक जन्म नहीं ली होती है, उसे यहाँ कहा गया है अनदेखी बिटिया। अनदेखी बिटिया करे पुकार, जो अनदेखी बिटिया है, जो गर्भ के अंदर है, वो पुकार कर रही है, मत करो ये अत्याचार मत करो। आपको तो माँ भी चाहिए होती है, बहन भी चाहिए होती है, पत्नी भी चाहिए होती है, तो फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए, क्यों भ्रूण हत्या कर देते हो, क्यों बेटी जन्म लेने से पहले ही उसे मार देते हो, क्यों ऐसा करते हो। ये सवाल एक अनदेखी बिटिया पूछ रही है, ये कह रही है कि ये अत्याचार मत करो। अब मैं प्रश्न पूछती हूँ, अनदेखी बिटिया क्या चाहती है। अनदेखी बिटिया क्या चाहती है कि वो इस दुनिया में जन्म ले। वो बोलती है कि आपको माँ चाहिए होती, बहन चाहिए, तो फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए, तो आप बेटी भी, बेटी की भी चाह कर सकते हो, ये कहना चाहती है। इन पंक्तियों से क्या संदेश मिलता है। इन पंक्तियों से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, माँ की कोख में बेटी को जन्म लेने से पहले ही मार देना नहीं चाहिए होता है, क्योंकि आपको जितनी आवश्यकता माँ की होती है, बहन की होती है, पत्नी की होती है, बेटी भी होती है उतनी ही आवश्यक। तो इस पंक्तियों से हमें ये संदेश मिलता है कि भ्रूण हत्या, जो गर्भ में अभी तक ना जन्म ली हुई बच्ची को मार देना, ये बहुत गलत बात है। नारे के बिना समाज की कल्पना असंभव है, इस पर अपने विचार बताइए। नारी त्याग से परिपूर्ण है, नारी सबसे पहली माफ़ कर देती है, नारी शक्ति होती है, नारी के बिना समाज अकल्पनीय है, नारी सुबह से लेकर रात तक अपने परिवार, अपने परिजनों के लिए देख रही है, यहाँ तक कि अपने देश के लिए भी वो बहुत मेहनत करती है। तो नारी के बिना समाज असंभव है। शहर में, दुनिया में महामारी फैली हुई थी, सब तरफ बंद था, सब अपने अपने घर में बैठे थे, लेकिन नारी की रसोई पूरे समय चालू थी, वो रात दिन अपने घर के परिजन, अपने घर के परिवार के लोगों का पेट भरने के लिए खाना पका रही थी। तो इसीलिए नारी के बिना समाज की कल्पना हम संभव कर ही नहीं सकते, ये अकल्पनीय है। नारी समाज के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, और हमें भ्रूण हत्या रोकनी चाहिए। इस नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है, इसमें ये मेरा विचार है। अब मैं उद्देश्य बताती हूँ।